हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एडल्ट एकेडमी फॉर एजुकेशन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं रहीम के जीवन परिचय के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, और साथ ही इनकी रचनाओं का भी बात करेंगे, ताकि आपको रचना के लिए अलग से वीडियो न देखना पड़े। वीडियो छोटा है, सटीक है, ताकि आपको याद करने में परेशानी न हो। जिसके पास कम टाइम है, पेपर नज़दीक है, उसे एक बार यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। बस एक बार अपना कीमती समय निकालकर वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। 3 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कवि का नाम लिखना है, फिर हेडिंग में लिखना है जीवन परिचय। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के रक्षक थे और इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। किन्हीं कारणों वश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गए और आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का मदीना भेज दिए। किंतु मार्ग में ही उनके शत्रु मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। हत्या के बाद अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुलाकर रहीम के शिक्षा की व्यवस्था की। रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अकबर ने रहीम को अपने दरबार के नवरत्नों में से एक स्थान दिया। मुगल होते हुए भी ये कृष्ण के भक्त थे। अकबर के मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया। केशव दास और तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हेडिंग में रचना डाल देना है, फिर लिखना है रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनास्टिक, रहीम रत्नावली आदि। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।